जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, सबसे पहले किसान हूं, बाद में कोई पत्रकार या व्यवसायी। मेरी किसान कौम का समर्थन करना मेरा कर्तव्य है, तो क्या मुझे इस आंदोलन पर नहीं बोलना चाहिए? क्यों ना बोलूं? मैं कहना चाहूंगा कि मेरी कौम किसान, मेरा धर्म किसान, मेरा परिवार किसान, इसलिए यह मेरा फर्ज है। वैसे भी किसान बचेगा तभी तो देश बचेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इस आंदोलन को खालिस्तानी धर्म और राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो इस संबंध में मेरा यह कहना है कि यह सब बकवास बातें हैं। ना तो ऐसे शैतान हमें मूर्ख बना सकते हैं और ना ही हमारी सासी कौम को डरा सकते हैं। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें किसानी की ABCD के भाई नहीं पता और बार बार ये कह रहे हैं कि इस बिल में गलत क्या है। मैं ऐसे लोगों को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझता, लेकिन यह लोग हमारे कुछ भोले भाले भाइयों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन तीन अध्यादेश जो अब कानून बन चुके हैं, हमारे वर्ग के इस आंदोलन के संबंध में कुछ तथ्यों पर आप नजर डाल सकते हैं। जैसे कि अगस्त 2014 में केंद्र सरकार द्वारा गठित शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि केवल 6% किसान ही MSP पर फसल बेच पा रहे हैं, यानी 94% किसान आज भी खुले बाजार में फसल बेच रहे हैं। क्यों? क्या इन्हें MSP के बराबर या उससे ज्यादा दाम मिल रहा है? अब सवाल यह भी है कि जब इन 94% को MSP के बराबर या उससे अधिक दाम नहीं मिल रहा, तो 100% को कैसे मिलेगा? जो लोग ये कह रहे हैं कि इन कानूनों पर MSP हटाने का कोई जिक्र नहीं, वो दरअसल किसानों को आज भी मूर्ख समझते हैं। जब सरकार को MSP हटाने या ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं रखती, तो MSP पर खरीद की गारंटी का प्रावधान क्यों नहीं कर देती? क्यों न इसे भी कानून बना देती? क्यों न इस कानून को उसमें शामिल कर देती? क्यों? कृषि विपणन सुधार का मतलब तो यह है कि MSP के दायरे में आने वाली किसानों की संख्या 6% से बढ़ाकर 100% करना और APMC मंडियों सुधार के प्रयास होते हैं। साल 2003 में वाजपेयी सरकार ने जो मॉडल APMC एक्ट में बनाया था, उसे लागू करवाने की कोशिश की जाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि MSP किसानों का सुरक्षा कवच है। हालांकि यह कभी ठीक ठाक से लागू नहीं हुआ, फिर भी इसने एक हद तक किसानों को बचाए रखा है। इसीलिए सरकार को MSP की गारंटी देनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।